guys, good morning and wish you a very very happy Diwali and safe Diwali. So guys, अभी बज रहा है 7:30. ये वैसे मैं 6 बजे उठ गई थी because अब पौधों में मैंने पानी डाला, पूरा टेरिस धोया, फिर मैं नहाने गई, नहा के आई, पूजा करी, तो मुझे लगा व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए. क्योंकि तो आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं इसलिए मैं व्लॉगिंग कर भी रही हूँ. मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी. स्टे ट्यून. सो गाइज, यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है और इसमें चावल वावल सब डाल दिए हैं शाम के लिए, बिकॉज शाम में वैसे ही बहुत सारा काम हो जाएगा. बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं सारे, इसको मैं मिक्स कर डाल दूँगी इसके अंदर खीर में. मैंने 2 किलो दूध में ये खीर चढ़ाई है. चावल धो के इसमें डाल दिए थे मैंने, एंड चावल कम ही डालने चाहिए बिकॉज ये वो क्वांटिटी थोड़ी में भी डालो ना बढ़ जाती है. तो सारा मैंने मिक्स कर दिए, इसमें शक्कर भी डाल दी है, ड्राई फ्रूट भी कट करके डाल दिए हैं. बाद इसको हम बनने देते हैं. गाइस, यहाँ पे मैंने शाम के लिए छोले रात में भिगो के रखे थे एंड उसको कुकर में सीटी लगवा ली एंड आलू भी बॉईल कर लिए, इनको मैं छील लूँगी अभी. गाइस, यहाँ पे मैंने लौकी की सब्जी बना ली है नाश्ते के लिए एंड यहाँ पे मेरी खीर बनी रही है शाम के लिए. गाइज, मेरा सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, घर का जो भी होता है. अभी बज रहा है 2:30 एंड उसके बाद मैं सारा काम करने लग गई, झाड़ू पोछा किया, बर्तन जमाए, उसके बाद खाना वाना खाया एंड माला वगैरह जो हम गेट पे लगाते हैं वो सब मैंने लगा लिया है. अभी जा रही हूँ रंगोली बनाने, तो आपसे मिलती रहूंगी. सो स्टे ट्यून. गाइस, फाइनली मेरी रंगोली बन चुकी है. मैं गई थी बनाने, आई थिंक 3 बजे में रंगोली बनाना मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी बज चुके हैं 4. 1 घंटा बनने लग गया रंगोली बनाने में. रंगोली में काफ़ी टाइम लग जाता है. बीच में शूट भी नहीं कर पाई बिकॉज मैं मोबाइल में सिर्फ देख के बना रही थी और मैं खुद बना भी रही थी अकेले, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. इसलिए बाकी बताना आपने रंगोली कैसे बनाई, मुझे बनानी नहीं आती, देख के बनाइए बस. तो अभी मैं जा रही हूँ टेरिस से कपड़े उतारने, उसके बाद मैं जाऊँगी आटा गूंदने के लिए क्योंकि आज पूड़ी बनेगी, तो पूड़ी के हिसाब का आटा गूंदना है. तो वो सब करके अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड. सो हेलो गाइस, अभी 6:30 हो रहा है, सारा काम हो गया ऑलमोस्ट. मैंने सब्जी बना ली है, पूड़ी तल ली है और थोड़े बहुत बर्तन साफ करके दिए जलाने हैं, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है. बोले की सब्जी बनाइए एंड यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ वगैरह सब तल गई, बस किचन की क्लीनिंग करनी बाकी है. सो हेलो गाइस, अभी 7 बज चुका है, मैंने सारे दिए वगैरह सब कुछ A to Z सारा काम हो चुका है. मैं जा रही हूँ रेडी होने, अब मैं आपसे मिलूंगी रेडी होने के बाद. सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक. सो ये मैंने प्लाजो वेयर किया है,
सी ऐसा कुछ प्लाजो है एंड कुर्ता है, शरारा टाइप पैटर्न है। इयररिंग मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे ब्लू इन कलर के, बट वो आए नहीं, तो फिर जुगाड़ तुगाड़ करके मैंने छोटे से स्टड्स पहन लिए। तो बहुत सिंपल सा मेकअप लुक किया, ज़्यादा नहीं किया। अभी मैंने मम्मी पापा को रोक रखा था कि जब तक मैं रेडी होके ना आऊँ तब तक पूजा स्टार्ट नहीं होगी। फाइनली हमारी पूजा सब हो चुकी है कंप्लीट। हाय गाइस, सो गाइस ये मेरे पापा हैं और मैं पापा से पूछ रही थी कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो गाइस, अभी मैंने खाना खा लिया है, हम सबका खाना हो गया है। अभी मैंने फोटो रील कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ी देर से बनाऊँ, थोड़ा ब्लॉगिंग थोड़ी सी कंटिन्यू और कर लेते हैं। बाकी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, फिफ्थ फ्लोर से आप देखोगे, दिख रहा होगा पीछे इतना बढ़िया नज़ारा ना। सी पूरा करती हो? और आप क्या करती हो? कुछ भी नहीं। कैसी लगी खीर? अच्छी। कितनी हाथी गली मम्मी? हाथी गली मेरे कहाँ सारी मिली? बम फटा के देखे हाथी पद घूमती वाली। हाँ घूमते वाली। हिम्मत कितने जाए? हिम्मत कितने ही ना जाए। हिम्मत की कैसे टूटे? सी डिजाइन बाबा। हेलो गाइस, अभी रात के 11:30 हो रहा है एंड मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, फेस वॉश करके, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन रखे किचन में वो क्लीन करके, उसके बाद मैं सो जाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठी हूँ एंड बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो एंड आपने भी अपने घरों में अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।